وعليكم السلام ورحمة الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. صدق الله العظيم. میرے محترم قابل قدر پرنسپل اور دیگر اساتذہ کرام اور میرے پیارے بچوں اور بچیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت سارے انعامات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکتے ہو. اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اور پھر وہ نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اتنی قیمتی نعمتیں ہیں کہ ساری دنیا کے خزانے مل کر اس ایک نعمت کی قیمت نہیں بن سکتی. مثلاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو آنکھیں دی ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں، جس سے ہم پڑھتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم پڑھاتے ہیں. اب اگر پوری دنیا کی بادشاہت کسی کو کہا جائے کہ آپ کو پوری دنیا کی بادشاہت دی جاتی ہے، لیکن آپ کا ایک آنکھ ہم نکالیں گے تو کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ پوری دنیا کی بادشاہت یا پوری دنیا کے خزانے اس آنکھ کی قیمت نہیں بن سکتی. اتنی قیمتی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے. اس کے علاوہ زبان ہے، ہاتھ پاؤں ہیں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. اور اللہ کی نعمتوں پر ہم جتنا شکر ادا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مزید اضافہ کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے ارد گرد کتنی نعمتیں ہیں اللہ پاک کی. مثلا اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں رہنے کے لیے گھر دیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں والدین دیے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے انسانوں کو، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر کسی کے والدین زندہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمر میں مزید اضافہ فرمائے، تو اس کو ایک بہت بڑی نعمت سمجھنی چاہیے. اور اپنے والدین کے اطاعت اور فرمان برداری، اس کا کہنا ماننا، اس کو اپنے اوپر لازم کرے. اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں ماں باپ دیے ہیں اور ہمارے ماں باپ زندہ ہیں. کیونکہ بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جن کے ماں باپ
नहीं होंगे या उनमें से एक नहीं होगा। वो दुनिया में तो दोबारा नहीं आ सकते ना, दुनिया से जब एक दफ़ा चले जाते हैं फिर वापस नहीं आते। तो अब उनकी कितनी ख्वाहिश होगी, कितनी हसरत होगी कि काश हमारे वालिदैन होते या हमारी माँ होती, हमारा बाप होता। तो आज जिनके हैं तो वो उस नेमत पर शुक्र अदा करें। फिर जिस तरह वालिदैन हैं, इस तरह आपके जो असातिज़े किराम आपको पढ़ाते हैं, आपके प्रिंसिपल साहब हैं, आपके दूसरे असातिज़ा हैं, टीचर हैं, और इसी तरह जो दूसरे मुअल्लिमात हैं, ख्वातीन जो आपको पढ़ाती हैं, ये भी आपके लिए बमंजिले माँ बाप के हैं। ये भी आपके लिए क्या है, माँ बाप की तरह है। जिस तरह आपके माँ बाप की ये कोशिश होती है, ये तमन्ना होती है कि मेरा बच्चा तरक्की करे, ये पढ़े, ये तालीम हासिल करे, ये मुआशरे का एक बेहतरीन फ़र्द बने, एक अच्छा और सच्चा मुसलमान बने, तो इसी तरह आपके ये असातिज़ा और ये स्कूल के प्रिंसिपल साहब, इसका भी यही ख्वाहिश है। ये भी आपको इस हाल में देखना चाहते हैं कि आपका मुस्तकबिल तरक्की वाला हो और आप पसमानदगी में न रहें, आपको तरक्की मिले। तो लिहाजा आप इनको भी अपने लिए एक नेमत समझें अल्लाह की तरफ से, और इस नेमत पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। जितना शुक्र अदा करेंगे अल्लाह पाक मज़ीद इजाफ़ा करेंगे। इसी तरह अल्लाह ने हमें रहने के लिए घर दिया है, घर के अंदर जो रहन सहन होता है वो हमारा सलीक़े के मुताबिक हो, और इस तरह हम ना हो कि घर या घर के अफराद या माँ बाप हमारी वजह से परेशान हो। हम अपने अखलाक सही बनाएं। अखलाक सही बनाने का मतलब ये है कि अगर हम छोटे हैं तो हम बड़े का अदब करें, उसके साथ अदब के साथ पेश आए, और अगर हम बड़े हैं तो छोटों पर हमारा शफ़क़त हो, छोटों को अपना छोटा भाई समझे। और जिस तरह एक अपने छोटे भाई के साथ आदमी प्यार मोहब्बत से पेश आता है, तो इस तरह हम हर छोटे के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छा हो। जिसके अखलाक सबसे अच्छा हो वो तुम सब में बेहतरीन है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने अखलाक को दुरुस्त करें। दुरुस्त करेंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ साथ हम अपने सफाई सुथराई का ख्याल रखें, क्योंकि हमारा दीन मज़हब इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं। हम क्या हैं? मुसलमान हैं, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हमारा दीन हमें सफाई और सुथराई का हुक्म देता है। देखिए हम नमाज़ पढ़ते हैं ना, कितनी नमाज़ पढ़ते हैं दिन में? 5 नमाज़ें पढ़ते हैं। तो जब हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? वुज़ू करते हैं, पाक कपड़े पहनते हैं। देखो हमें हुक्म है अल्लाह के तरफ से कि इज़ा कुमतुम इला सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इला अल-मराफ़िक़ वामसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इला अल-काअबैन, कि जब तुम नमाज का इरादा करो तो सबसे पहले अपना चेहरा धो लो और अपने हाथ धो लो, सर का मसह करो, पांव धो लो,
तो ये वज़ू क्यों किया जाता है? ताकि हमारा बदन क्या हो जाए, पाक हो जाए। इसी तरह वसियाबक फतहिर, अल्लाह का हुक्म है कि अपने कपड़ों को साफ कीजिए, पाक कीजिए। जब नमाज के लिए हम जाते हैं तो पाक कपड़े पहनते हैं, गंदे कपड़ों में नमाज होती है? नहीं होती है। इसी तरह जब हम दूसरे इबादत करते हैं, हज के लिए जाते हैं, उसके लिए लोग अहराम बांधते हैं, अहराम से पहले गुसल करते हैं, अपने आप को साफ़ सुथरा करते हैं और फिर अहराम बांधते हैं, तो हमारा शरीयत हमें किसका हुक्म देता है? सफाई सुथराई का हुक्म देता है। लिहाजा आप एक अच्छे बच्चे तब बनेंगे जब आप अपने बदन के सफाई का ख्याल रखें, अपने कपड़ों के सफाई का ख्याल रखें, और इसी तरह जहाँ आप अपने घर में होते हैं तो अपने घर की सफाई का ख्याल करें, यहाँ स्कूल में आप होते हैं तो यहाँ स्कूल के भी सफाई का ख्याल करें, तो तब हम एक अच्छे मुसलमान होंगे और एक अच्छे मुसलमान शुमार होंगे। इस तरह करेंगे कि नहीं करेंगे? इसी तरह अगर हम घर में हैं या स्कूल में हैं, हमारी चीज़ें हैं उसको हम सलीक़े के साथ रख के, मसलन आप स्कूल आते हैं